एली और उसकी डॉल के पास एक बढ़िया रूम था, जब तक उसकी बड़ी बहन ने उसे बर्बाद नहीं किया था। ये पुराना वैक्यूम पूरी तरह से खराब हो गया है और कैरोलाइन इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसने रूम का सारा सामान खींच लिया, सारे टॉयज, पिलोस, सारी चीजें। उसका रूम बर्बाद हो गया है, पर वो एक नया घर बना सकती है। कैरोलाइन मदद करेगी। इसमें थोड़ा समय लगा, पर रूम तैयार है। कैरोलाइन बहुत पॉपुलर है, वो इन सब वैलेंटाइन्स को संभाल भी नहीं पा रही। एली को एक भी नहीं मिला है, पर उसे एक चाहिए। कैरोलाइन उसे पढ़ने नहीं देगी। आप इतनी प्यारी बच्ची पर कैसे गुस्सा हो सकते हो? कंसोलेशन प्राइज के तौर पर चलो टूटे हुए दिलों से दीवार सजाते हैं। अगर हम ये छत पर लगा लें, तो एली बड़ी होकर काफी लड़कों को रुलाएगी। आज के लिए कोई सेल्फीज नहीं। कैरोलाइन को पिंपल हो गया है, या पिंपल को कैरोलाइन हुई है। उसे इसे ठीक करना होगा। इस बकवास ट्यूब से कुछ नहीं निकल रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैरोलाइन को हार मानने की आदत नहीं है। उफ, दीवार पर कोई पिंपल नहीं है। पर क्या होगा अगर वो जगह को पोस्टर से कवर कर ले? उसे बहुत सारे पोस्टर्स की जरूरत है, वो भी मैगजीन के कटआउट्स का इस्तेमाल कर सकती है। ये बढ़िया कोलाज है, क्या ये उसके पिंपल्स पर काम करेगा? कैरोलाइन को उसके चाहने वालों से काफी गिफ्ट्स मिले हैं। एली को सरप्राइज और अटेंशन पसंद है, उसका वक्त भी जल्दी आएगा। कैरोलाइन को प्रेजेंट्स मिले हैं और एली को रैपिंग पेपर। हे, ये बढ़िया आइडिया है, वो इसे वॉलपेपर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उसका पूरा रूम प्रेजेंट की तरह लग रहा है, इसे मत छूना। कैरोलाइन का रूम उसकी बबली पर्सनालिटी से मैच करना चाहिए। ये कमाल की एलईडी लाइट स्ट्रिप सेल पर है, बढ़िया। प्राइस टैग से रूम बेकार लग रहा है, पर वो इसे ठीक कर सकती है। कैंची ने पेपर को हरा दिया। ये बढ़िया लग रहा है, पर कुछ मिसिंग है। ओह, जितना लगाओ कम है। कैरोलाइन की ऑनलाइन शॉपिंग की आदत उसे गरीब बना देगी, उसे इसकी जरूरत है। क्या पिंक शेल्फ है? ये एकदम पैसा वसूल है। अब उसके पास हर जगह लगाने के लिए सामान है। ये सारी पैकिंग एक छोटे से सामान के लिए, और अब ये किसी काम के नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एलिस पैकेजिंग को फिर इस्तेमाल कर सकती है। पहला, यहाँ एक और शेल्फ है, पर कैरोलाइन को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एली कार्डबोर्ड से क्लाउड्स बना सकती है, अब ये अलग लग रहा है। कैरोलाइन की सेविंग्स खत्म हो रही है, उसने दो शेल्फ्स ऑर्डर किए थे, दूसरा कहाँ है? कैरोलाइन को शक हो रहा है, एली को शेल्फ कहाँ से मिला? ये आसमान से गिरा है, ये क्लाउड है, ये केस नहीं सुलझेगा। कैरोलाइन को उसके कुछ पुराने ट्यूल्स याद आए, पर इसमें एक सिक्योरिटी सिस्टम है। एली भी इसे अपने रूम के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। वो हमेशा अपनी बड़ी बहन की नकल करती है, और उसे पता है उसे जो चाहिए वो कैसे लेते हैं। एली के आंसुओं ने कैरोलाइन का दिल पिघला दिया, तो एली भी ट्यूल रख सकती है। ये कमाल का लग रहा है। पिंकी फिंगर्स दो, शांति, प्यार और हग्स। हर रूम में एक वैनिटी टेबल होना चाहिए। आखिरकार अब मेकअप करने के लिए सही जगह है, और अब शायद कैरोलाइन अपना आईलाइनर लगा सकती है। ओह, आज उसे डेट पर जाना है, फ्री का खाना क्यों ना खाया जाए। उसे खास मेकअप की जरूरत है, वो लॉबस्टर ऑर्डर करने वाली है, और उसे सुंदर दिखना है, ना कि डरावनी। ओह, उसने मेकअप में काफी समय लगा दिया। डेट कैंसिल हो गई। कैरोलाइन का टिकटॉक तारीफों के कमेंट से भरा है, ये उसकी हकदार है। कोई दरवाजे पर आया है, रुको, नहीं, कितना बेहुदा मजाक है, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। कैरोलाइन को मजाक पसंद नहीं है, पर उसे गिफ्ट्स बहुत पसंद है। हो एक और लड़का जो उसे पसंद करता है। कैंडी और फ्लावर, कितना रोमांटिक है।
एलिए से खुशी से खा लेगी, यहाँ तक कि फ्लावर्स को भी। अच्छा होता अगर कैरोलाइन से छिपा देती। क्या हुआ, क्या इसने सब नींद में खा लिया? कैरोलाइन आज रात की डेट के लिए तैयार हो रही है, उसे कोई चीज ऐसी ही नहीं छोड़नी चाहिए। ये स्ट्रिंग कहाँ तक जाती है? सीधा एली के रूम में, और यहाँ एक सुंदर यूनिकॉर्न उसके हेयर क्लिप्स को संभालने के लिए तैयार है। कैरोलाइन का स्वेटर ज्यादा छोटा हो गया, ये पक्का लॉन्ड्री में हुआ होगा। आज एली के एलिमेंट्री स्कूल का पहला दिन है और उसकी नई जिंदगी का पहला दिन भी। ये रहा उसका लकी टॉय, वो काफी जल्दी बड़ी हो गई। तुम्हारा पहला दिन अच्छा हो। यहीं से बदबू आ रही थी। कैरोलाइन ने गम ऑर्डर किया था, टेबल नहीं। ओह, ये सिर्फ पैकेजिंग है। ये बहुत सुंदर है, कैरोलाइन को इसकी उम्मीद नहीं थी। टेबल काम आएगा, अब वो ड्रॉ और जो चाहे वो कर सकती है। ये रहा एली का रूम, इसमें कुछ कमी है। ड्राइंग टेबल, वो एक ले सकती है। ये अब तक का बढ़िया सरप्राइज होगा, वो बॉटल से बनी ऑर्गेनाइजर बना सकती है और उसमें पेंस और पेंसिल्स रख सकती है। अब टेबल उसके फेवरेट बुक्स और टेडी बेयर के साथ रूम में लग सकता है। अब एली के पास कमाल की टेबल है। कैरोलाइन सच में एक अच्छी बहन है। ट्रूम ट्रूम ट्रिक की वीडियो काफी बढ़िया होती है, पर उसे टेबल पर देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कैरोलाइन के पास अच्छा आइडिया है, उसे छत पर लगा के देखते हैं। उसने ये पहले देखा है। कैरोलाइन के पास छत, स्क्रीन और सिर पर बम्प है। हे, आपको भी ट्रूम ट्रूम ट्रिक को सब्सक्राइब करना चाहिए। ये जैम जार खाली है, इसे फेंकना अच्छा नहीं होगा, तो मत फेंकिए। इसे ग्लिटर, पोनी और पानी से भर देते हैं और आपको बढ़िया टॉय मिल जाएगा। कैरोलाइन कमाल की है, वो अपनी बहन के कमरे को भी साफ कर रही है। ये क्या है, कैंडी का ढेर? कैरोलाइन अपनी कैविटी के बारे में तो भूल ही गई। जब वो छोटी थी उसने काफी कैंडी खाई थी। इसे छिपाना बंद करो, उसे उसका कैंडी जार चाहिए और डेंटिस्ट के पास जाना है, ये काफी काम आएगा। आज कैरोलाइन बहुत बिजी है और वो अपने पूरे वीक का प्लान बना रही है। क्या हुआ, वो गलती से पिन के ऊपर बैठ गई। ये दर्द एक शब्द में बदल सकता है, प्यार। कैरोलाइन का रूम कमाल का है, शायद कोई उसके स्टाइल को कॉपी कर ले, इसलिए उसने प्राइवेसी के लिए कर्टन खरीदा। वो सिर्फ छोटे वाला ही खरीद सकती थी, उसके कॉलेज के फंड खत्म हो गए हैं। उसे अपनी वॉच को बेचना होगा। कम से कम ये सुंदर तो है। ये आखिरी बार है। एली स्कूल से वापस आई और जो उसने देखा वो चौंका देने वाला था। वो अपनी बहन के लिए थैंक यू कार्ड बनाना चाहती है, पर उसे एक मजेदार रेड बटन मिला। इससे या तो रॉकेट लॉन्च होगा या एली फेरी टेल की दुनिया में चली जाएगी। कैरोलाइन अपनी बहन को नहीं ढूंढ पा रही। हमें कमेंट्स में बताइए एली कहाँ है। जब तक कैरोलाइन कॉलेज गई, सभी कॉलेज क्वीन के टाइटल के लिए होने वाले कॉन्टेस्ट की बात कर रहे थे। टूटे हुए दिल शांत नहीं होते, ऐसा दिखाने का कैरोलाइन के पास अच्छा मौका है। अगर वो क्वीन बन गई, तो अपने एक्स को अच्छे से मजा चखाएगी। हे, हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। पर चलो कॉन्टेस्ट पर वापस आते हैं। मिया को भी इस बारे में पता चला और कोई भी इसे सीरियसली नहीं ले रहा। मिया क्राउन को जीतने और सभी को खुद को कूल दिखाने के लिए तैयार है। वो सुपर पॉपुलर हुआ करती थी और वो सब वापस पाने का अच्छा मौका है। ये कॉन्टेस्ट सीरियस है और हम इसे अकेला नहीं कर सकते। मिया ने कैरोलाइन की मदद मांगी क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता था वो उस पर गुस्सा है, और कैरोलाइन को फैशन के बारे में काफी कुछ पता है। अगर मिया को क्राउन चाहिए
तो उसे मुश्किलों से भरा सफर तय करना होगा। हर कोई अच्छी किस्मत लेकर पैदा नहीं होता और कुछ लोगों को सीखना पड़ता है कि जिंदगी कैसे काटनी है। अगर मिया को उस लेवल पर जाना है तो उसे खुद में खासियत ढूंढनी होगी। अगर कैरोलाइन उससे गुस्सा ना होती तो प्रैक्टिस करना आसान होता, इसलिए मिया को अभी काफी कुछ सीखना होगा। सुंदर होने का मतलब परफेक्ट होना है ना? आपका एक बार भी सब बर्बाद कर सकता है। कैरोलाइन सोचती है वो मिया को क्राउन जीतने नहीं देगी। कैरोलाइन के लिए कॉन्टेस्ट सिर्फ कॉन्टेस्ट नहीं है, ये एक लड़ाई है और वो इसे नहीं हारेगी। भले ही मिया को ये लगे कि वो दोस्त है, जब से मिया ने पेजेंट के लिए पार्टिसिपेट किया है उसके दोस्त उसे जीने नहीं दे रहे हैं। वो कैसे भी अपने दोस्तों के लिए समय निकाल रही है। आसपास बॉल से खेलने की जगह उनके पास एक नई हॉबी है, प्रैंक्स। मिया इसके लिए तैयार है। वो दिन याद है जब हॉब्स अपने जूतों के लिए रोया था? याद है तुम फ्रोजन पर कितना रोए थे? तुम बच्चों से भी ज्यादा रोए थे। इससे तुम्हें मुझसे उलझने का अंजाम पता लगेगा। जीतने के लिए सिर्फ सुंदर होना ही काफी नहीं है, आपका पॉपुलर होना भी जरूरी है। कैरोलाइन को पता है, इसीलिए वो बड़ी पार्टी रख रही है। अगर आप जीतना चाहते हैं, तो आपको फैंस की जरूरत है। मिया भी किसी न किसी तरह आना चाहती है। पर कैरोलाइन उसके लिए तैयार थी, बस एक चिप्स का पैकेट और उसे पता चल जाएगा वहाँ क्या हो रहा है। उसके पास चोरी से बचने का एक अच्छा तरीका है, ये रहा जाल। मिया उसमें फंस गई। अब जाहिर है कोल्ड वॉर हॉट में बदल रही है। अब कैरोलाइन और मिया दोनों को चौकन्ना रहना होगा। जब आपका मूड खराब हो तब सारी चीजों से गुस्सा आता है। कैरोलाइन ने मिया को सफाई के लिए लाखों बार कहा है, उसके ड्रायर को इस्तेमाल करते हुए। पर अगर आप प्रैंक करने की सोच रहे हैं तो कर्मा को ना भूलें। आप खुद इसमें फंस सकते हैं। कैरोलाइन, क्या तुम मिया के लिए बनाए विंटर वंडरलैंड का स्वाद चखना चाहती हो? तुम बहुत मुरझाई हुई लग रही हो। हर दिन कॉन्टेस्ट पास आता जा रहा है। जिसका मतलब कुछ बड़ा करने का समय है। कैरोलाइन कुछ करने वाली है। उसका अगला प्रैंक बहुत ही सीरियस होने वाला है। इससे बात काफी आगे बढ़ सकती है। पर किस्मत से कैरोलाइन को केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता और मिया थोड़ी डर गई है। कैरोलाइन अगली बार दोबारा सोचेगी। मिया के लिए पार्टी में एक सरप्राइज है। वो इसका काफी समय से इंतजार कर रही थी, पर जब वो पार्टी में आई उसने देखा कि ये कॉस्ट्यूम पार्टी नहीं है। उसे पता होना चाहिए था कि ये झूठ हो सकता है। अब सभी मिया पर हंसेंगे। वो उदास है। मेहमान नहीं रुकेंगे, पर मिया उन्हें यूं ही नहीं सहेगी। तो जोई ने उसकी वाइन्स का स्वाद चख लिया है।
और लीबी उसे चिढ़ा रहा है। उसे कैरोलाइन से बात करनी होगी। मिया को लगा उन्हें एक दूसरे से गलतफहमी हुई है, पर कैरोलाइन ने उसे जैक्सन के बारे में बताया कि मिया ने जैक्सन को उससे कैसे छीना, पर मिया ने ऐसा कभी नहीं किया। वो खामखा ही बहस कर रही है। वीडियो में जो ब्लॉन्ड है वो उसकी बहन है। कैरोलाइन माफी मांगने की कोशिश कर रही है, पर मिया कुछ सुनना नहीं चाहती जब तक कैरोलाइन ये ना कह दे कि वो कॉन्टेस्ट में उसके जीतने पर मदद करेगी। उसने कॉम्पिटिशन छोड़ दिया है। क्या ये उनकी लड़ाई का अंत है? हम अभी कुछ नहीं कह सकते। कैरोलाइन ने मिया की मदद करनी शुरू कर दी। पेजेंट के लिए तैयार हो जाओ। पहले अगर आपको ब्राउन चाहिए तो आपको हेल्दी खाना खाना होगा। आपने कभी किसी क्वीन को बर्गर्स या हॉट डॉग्स खाते हुए देखा है? सिर्फ स्मूदीज है ना? क्या आपको हमारी नई वीडियो पसंद आई? तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे।